एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जिसे आजकल आपकी तरफ आकर्षित महसूस होता है। ठीक है, किसे आजकल आपकी तरफ आकर्षित महसूस होता है वही देखेंगे हम आज की रीडिंग में। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है स्टार, आपकी एनर्जी। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे। तो आजकल कौन आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहा है? गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रखता होगा। बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर यह है कि फैमिली की हर ज़रूरत को पूरा करना है। घर का बड़ा भी हो सकता है, बेटा या बेटी। ठीक है, बहुत मैच्योर होगा, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना जानता है। कोई भी जिम्मेदारी दी गई है उसे अच्छे से निभाता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता होगा, जो भी काम करता है उसे छोटे से शुरू करता होगा और बड़ा बना देता होगा। ठीक है, इतना इसमें टैलेंट है कि कोई भी काम या कुछ भी नया शुरू कर भी रहा है ना, छोटे से शुरू करेगा ना उसको भी बहुत आगे तक ले जाता है। ठीक है, तो इसका ना वही चीज़ है, आपको लेकर भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अभी रिसेंट में ही या तो आप इससे मिले हो कुछ फाइनेंशियली वजह से, ठीक है, कुछ फाइनेंशियली लेन देन हो सकता है आपका। ठीक है, या बैंक में मिले हों आप, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये बैंक में जॉब करता हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थ साइन हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, तो कैसे भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस ज़रूर इन्वॉल्व होगा आप दोनों के मिलने में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन ना आपकी तरफ आजकल आकर्षित महसूस कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को आजकल आप बहुत पसंद आने लग गए हो, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है ये पर्सन। ठीक है, अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रखना जानता है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा रूखा है, बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँ प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, नहीं, बहुत बैलेंस है ये पर्सन। ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होगा, इसने खुद का घर लिया हो, ऐसा हो सकता है। कैसे भी फाइनेंस ज़रूर रिलेटेड होगा आप दोनों के बीच। ठीक है, फाइनेंस ही जरिया होगा आप दोनों के बीच मिलने का या जो भी हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसे आपकी तरफ आकर्षित महसूस हुआ है, फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपका जो फेस के फीचर्स हैं ना, ये उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। ठीक है, इसे आप एक ऐसे पर्सन लगे हो जो वो स्टार की तरह चमक रहा है। ठीक है, इसे पर्सन को आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपका बोलने का तरीका बहुत पसंद आया होगा, या जो भी आपका बॉडी पोस्चर है वो इसे बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये पर्सन वही चाह रहा है या ये पर्सन वही सोचता है कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, फिर चाहे दोस्ती करके हो या अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड हो इनके। ठीक है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप की। ठीक है, और उस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाएंगे, मैरिज तक। ठीक है, वही चीज़ कह रही हूँ कि जो भी चीज़ ये शुरू करता है उसे आगे तक लेके जाता है, ये एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, तो ये कैजुअल रिश्ता रखने वाला, मैं नहीं कहूँगी कि ये ऐसा पर्सन है कि कैजुअली घूमना फिरना करा, कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप रखा एंड देन ब्रेकअप, तो वो चीज़ नहीं है। ये पर्सन बहुत मैच्योर है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ में अब चाहता है कि कोई पर्सन आए जिसके साथ ये सेटल हो जाए। ठीक है, अच्छे से ये उसके साथ घर बसा ले।
ठीक है, तो ये वही चाहता है और इस वजह से इसे आप पसंद आए हो। साथ ही मुझे ऐसा लगता है एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। इस पर्सन का आपके घर में आना जाना हो सकता है, कैसे भी ये आपके रिलेशन में हो सकता है, या तो रिश्तेदार का रिश्तेदार है, ठीक है, या फ्रेंड का फ्रेंड है, मतलब कुछ भी इसका, कैसे भी इसका रिलेशन हो सकता है आपसे, दूर का या पास का, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। और बहुत रोमांटिक होगा, बहुत इमोशनल होगा ये पर्सन, बट मैच्योर बहुत है, ठीक है। इसे हर सिचुएशन में बैलेंस करना आता है, इसे पता है अच्छी में कैसे बैलेंस करना है, बुरी में कैसे बैलेंस करना है। तो ये हर सिचुएशन को, ठीक है, अगर ये मैं कहूँ तो ये सोचता है कि अगर आगे चल के रिलेशनशिप में कुछ इशू वगैरह भी आए तो ये जानता है अच्छे से कि कैसे उन सबको हैंडल करना है, कैसे डील करना है। तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो एक ऐसा पर्सन है जो हर किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, हर किसी के साथ एक इमोशनली रिश्ता बना लेता है, ठीक है, एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कर लेता है हर किसी के साथ ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन मैं कहूँ तो कैसे भी, मतलब ये आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, भाई का फ्रेंड, बहन का फ्रेंड, कैसे भी, बट इस पर्सन का आपके घर आना जाना होगा, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँ, हंसमुख होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँ, बात बात पे ना इसके फेस पे स्माइल आ जाती होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। साथ ही मुझे एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो बहुत मैच्योर है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, और ये एक ऐसा पर्सन है, बहुत हार्डवर्किंग है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा इसके हाथ में क्रिएटिविटी है, बहुत ही क्रिएटिव माइंड का पर्सन है, ठीक है। और मैं कहूँ तो इस पर्सन से आपकी मुलाकात काम की जगह पे हुई होगी, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है पर्सन, ठीक है, या आपने इस पर्सन को अपॉइंट किया हो किसी काम के लिए, या इस पर्सन ने आपको अपॉइंट किया हो किसी काम के लिए, तो कैसे भी काम से रिलेटेड ही आप मिले होंगे इस पर्सन को, ठीक है। तो तभी ये आपसे इम्प्रेस हुआ है और ये आपको अपना कप देना चाहता है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है इसने ट्राई किया था आपके साथ दोस्ती करने का, ऑनलाइन फ्रेंडशिप करने का, ठीक है, कैसे भी इस पर्सन ने शुरू किया था, बट शायद आपने रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये आपकी वाइब्स आ रही हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया है, इस पर्सन ने तो शुरुआत की थी बट आपने ही एक्सेप्ट नहीं किया, या तो इसने ऐसा हुआ होगा कि सोशल मीडिया पे ट्राई किया होगा आपके साथ कनेक्ट करने का, आपके फ्रेंड बनने का, देन उसके बाद स्टार्ट करने का शुरू किया होगा कुछ भी बातचीत वगैरह, बट आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है। तो ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है आजकल, ये आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहा है और ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, और इसने ट्राई किया था बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि इसने बार बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हर बार आपने एक्सेप्ट नहीं की, या मैं कहूँ ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम भी चला हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक्सेप्ट किया, फिर कुछ बात अच्छी नहीं लगी, फिर ब्लॉक मार दिया या अनफ्रेंड कर दिया, फिर अगेन इसने भेजी, ठीक है, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के ना सर में बहुत दर्द होता होगा, ठीक है, या मैं कहूँ तो बात बात में इसके सर में दर्द हो जाता होगा, ये काम का ना बहुत ज़्यादा ही बोझा ले लेता होगा, तो ये बोलता होगा मेरे तो सर दुख जाएगा इतना काम कर करके, ठीक है। तो कैसे भी, या तो इसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या ये बहुत जल्दी ही ना थक जाता होगा काम को देख के, जिम्मेदारियों को देख के, या तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी ये देख के ही थक जाता है, कोई काम दे दिया, कोई भी जिम्मेदारी दे दी, ये जैसे ही देखेगा ना पहले ही थक के बैठ जाएगा, ठीक है। और एक पर्सन मुझे डेविल की एनर्जी का लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ शायद पास्ट में आपका कुछ रहा है, इसके साथ मे भी ऐसा हो सकता है फ्रेंड रहे हो आप इसके, या मैं कहूँ इसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे हो पहले, तो आप इसको अच्छे से जानते हो, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वजह से आपकी फ्रेंडशिप वगैरह भी टूटी हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बखूबी पता है कि इसकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसे,
बट आपको इंट्यूटिवली ही ये लगा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, फिर चाहे आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो या नहीं रहे हो, बट इसकी जो वाइब्स होंगी ना वही नेगेटिव होंगी। तो जब भी आपके सामने आता है ना, आपको ना कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता होगा, ठीक है? इसकी पहचान ही ये है, ये आपके रिलेशन में हो सकता है, फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, बट सच कहूँ कि इसको पहचानना है ना, तो इसकी जो वाइब्स है ना वही आपको अनकंफर्टेबल कर देती होंगी, ठीक है? फिर चाहे लड़की हो या लड़का हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ लड़ाई नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, बट फिर भी आप इसको देखोगे ना, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी, ठीक है? बहुत अजीब सा फील होने लग जाएगा इस पर्सन को देखते ही, ठीक है? जबकि इसने कुछ आपका बिगाड़ा नहीं होगा, बट फिर भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप इसके साथ, ठीक है? और मैं कहूँ तो हकीकत में इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए गलत सोच, गलत विचार रखता है, ये आपकी फिजिकल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है? और मैं कहूँ तो जस्ट टाइम पास करना चाहता है, कैजुअली रिश्ता टाइप, ठीक है? और ये जस्ट आपकी फिजिकल ब्यूटी से ही इम्प्रेस हुआ है, ऐसे आप पे क्रश हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँ तो अच्छी वाइब्स नहीं है, ठीक है? इसको लेके मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ, अच्छी वाइब्स नहीं है, जब भी आपके सामने आता होगा आप अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ ये नहीं बता रही कि कितने जनों को आप पे क्रश जैसा महसूस हो रहा है या आप पे क्रश रख रहे हैं, मैं जस्ट यही बता रही हूँ कौन है वो इंसान जो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रख रहा है, ठीक है? तो कुछ भी रेजोनेट कर सकता है, ठीक है? आपकी एनर्जी जो है वो स्टार की आई है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिम जाना है, योगा जाना शुरू कर दिया है, टाइम से खाना पीना, मतलब अपनी फिजिकल ब्यूटी के लिए जो भी कुछ कर सकते हो आप कर रहे हो, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो गई है, काफ़ी ज़्यादा आप सुंदर लगने लग गए हो, स्मार्ट लगने लग गए हो। मे बी शायद लड़के हो तो जिम वगैरह जाना शुरू कर दिया है, अच्छी खासी बॉडी बना ली है, ठीक है? तो उस वजह से आजकल लोग आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है? जो भी रेजोनेट करता है वही रखिएगा, ओपन माइंड होके रखिएगा, ठीक है? जल्दी से मैं इनके जोडियक साइन बता देती हूँ, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन। तो जोडियक साइन मुझे यहाँ सारे ही दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि जोडियक साइन मैच ना भी करें तब भी रीडिंग मैच करती है, क्योंकि ये एनर्जी बेस है, ठीक है? अब मैं जल्दी से बर्थ मंथ बता दूँ, सितंबर, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मई और जून और नवंबर और एक सेकेंड और अगस्त, ठीक है? मुझे यही बर्थ मंथ दिख रहे हैं। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ, 9/18/27/8/17, 26/4/31/13/11/1/2 और 20/5, ठीक है? 14/23/15 और 6/24, ठीक है? 17/8 जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, या गाइज मुझे यही बर्थ डेट और बर्थ मंथ दिख रहे हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं करते स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी बेस है। या गाइज मुझे यही दिख रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी, की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।